कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित करते हुए जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच जाकर संघर्ष करने का संकल्प लिया है। पार्टी कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोगमणि पाठक की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में समाज को जाति व धर्म के आधार पर बांटकर सत्ता हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए सामाजिक सद्भाव जरूरी है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की बात करती है। कांग्रेस ने कहा कि विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें धर्म का सहारा ले रही हैं। आज ये जो हमारे बीच में उदयपुर में जो एक चिंतन शिविर हुआ था, उसमें पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया था कि पूरे देश में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला चलाई जाए, जिससे कांग्रेस को नई ऊर्जा दी जाए। कांग्रेस जो जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, इस देश के गरीबों के लिए काम करने का काम किया, किसानों के लिए काम करने के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम करने का काम किया, छात्रों के लिए काम करने का काम किया, बुद्धिजीवियों के लिए काम करने का काम किया, लेकिन आज देश को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। जो देश की सत्ता में बैठे हैं वो लोग देश को गुमराह करने जा रहे हैं, नौजवानों को गुमराह करने जा रहे हैं। आज हमारे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने कहा कि कांग्रेस जहां से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जहां से कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया था, देश की आज़ादी की वहीं से फिर कांग्रेस को उभारने का काम करना है। हमने नव संकल्प जो हमारा क्रियान्वयन है, जो चिंतन शिविर है, उस चिंतन शिविर से एक संदेश देना है पूरे देश में कि कांग्रेस पुनः इस देश में आएगी। आप लोग लोगों के बरगलाने में मत आओ, विपक्षी दलों के बरगलाने में। आप कांग्रेस को फिर मजबूत करो। अगर देश को बचाना है, भारत माता को बचाना है, तो कांग्रेस को इस देश में फिर पुनः सत्ता में लाने का काम करना होगा। तब जाके देश आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं विदेशों में देश की हालत क्या कर रही, इनके जो इनके नेता हैं किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, आज देश में क्या हाल हो रहे हैं। देश में अन्नपूर शर्मा है जो इनके और प्रवक्तागण हैं, क्या क्या बोल रहे हैं देश में। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ माननीय पत्रकार जी आपसे, ये जो डिबेट में बैठते हैं जो नेता, कुछ हिंदू को बुला लेते हैं, कुछ मुस्लिमों को बुला लेते हैं, मैं तो इनसे दलाल की पूरी इनको दलाल कहूँगा। ये वो वहाँ से पैसे खाते हैं और उनकी टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं देश की जनता से, अपने शहर की जनता से या अंदर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जब इनकी जब इंटरव्यू या डिबेट आते हैं तो अपने अपने टीवी बंद कर दिया करूं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं करना है। इन्होंने देश को इस प्रकार गुमराह करना है, बेरोजगारी को बढ़ाना है, गरीबी बढ़ानी है और मजदूरी घटानी है, हर चीज़ में इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करना है। ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जब जयपुर में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का उद्घाटन किया था, पूरे देश के नेता उसमें आमंत्रित थे, तो वर्तमान हालात जो देश के हैं उससे कैसे पार पाया जाए, कैसे कांग्रेस के विचारधाराओं, कैसे कांग्रेस के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिस तरह की अराजकता की स्थिति आज देश में है, भाईचारे खत्म होने जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द जिस रूप में आज देखा जा रहा है, जाति वर्ग भेद जिस तरह से बढ़कर एक भाई दूसरे भाई से मारने को आते हैं, इस तरह का वैमनस्य आज पूरे देश में फैला है, जहाँ एक और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सुनियोजित ढंग से ये कार्यक्रम किए जाए। केवल बात दिन हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस्य फैला कर देश का वातावरण दूषित किया जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में कांग्रेस का यह कर्तव्य हो जाता है, जिसका आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान रहा, देश की आज़ादी के लिए, अपने आन देश के आन मान शान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वस्व निछावर कर दिया। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ आरएसएस, जिसकी विचारधारा आज पूरे देश में चल रही है, उन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करी। वो नहीं चाहते थे, 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, संविधान को उन्होंने नहीं माना। तो ऐसी पार्टी जो आज राष्ट्रभक्त का पास राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती है और इस तरह से देश का वातावरण को दूषित करती है, इसलिए बहुत आवश्यक ही है कि कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाया जाए। देश की संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे जो नवरत्न हैं उनकी रक्षा के लिए आज कांग्रेस को पुनः सत्ता में आना बहुत आवश्यक है। जन जन तक हम ये मैसेज पहुँचा रहे हैं, कांग्रेस ने क्या क्या वर्तमान स्थिति
में देश के हालात क्या है और किन कारणों से, इसका पूरा विवरण हम जनता के बीच जाकर बताने जा रहे हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।